Have patience. Be brave. Everything will be fine. Hello, madam ji. Very, very good morning to you and your family. This is Gopinath, senior journalist speaking. जो होगा सो देखा जाएगा. अब तो बेटा चढ़ जा सूली पे. जीरो वन वन फोर टू थ्री थ्री सिक्स. लग जा रे. हेलो हेलो. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर फैमिली. मैडम जी, दिस इज सीनियर जर्नलिस्ट गोपीनाथ स्पीकिंग फ्रॉम धौलपुर. धौलपुर मैडम जी, धौलपुर. वी मेड द बेस्ट स्वीट कार्ड छमछम. लुक फॉर वीजा इन्फॉर्मेशन, यू कैन ओनली कॉल बिटवीन 10 एंड 4. नो मैडम जी, आई डोंट वांट एनी वीजा. आई वांट टू टॉक टू योर बॉस. मेरा मतलब इंस्पेक्टर जनरल जी. नो, इट्स कॉन्सुलेट जनरल जी. Do you have an appointment? No, मैडम, हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं. कैसे समझाऊं इसको. मैडम जी, आप मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं. ये कैन यू स्पीक हिंदी लिटिल. थैंक यू मैडम जी, थैंक यू. माँ सरस्वती आपको बहुत प्यारा सा पति और उससे भी प्यारा बेटा दे. अरे मैडम जी, आप दूधो नहाओ पूतो फलो. कैन आई, मैं जॉर्ज बुश का नंबर ले सकता हूँ, मोबाइल नंबर? जॉर्ज बुश? अरे जॉर्ज बुश मैडम जी. यू डोंट नो, यू नो, यू शुड नो. इट्स द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. मैडम जी, यू नो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. जॉर्ज बुश की लाइफ बन जाएगी. हेलो 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 हेलो. नमस्ते अंकल जी. मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया? ओ मैं आपका दूर का रिश्तेदार सनी. सनी हाँ. अंकल का दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है भाई, निकलो यहाँ से. ये आपका नौकर बड़ा बदतमीज है, ऐसा कहो मेरा मुंह ना लगे. अंकल इतने चुप क्यों हैं? खुशी में चुप नहीं है, बीमारी ने मुंह बंद किया है. बात तू चुप कर. अंकल जी मैं सनी, खुराना साहब का बेटा. कौन खुराना? कौन खुराना जरा बताना. गुरदासपुर में आपके घर के सामने से एक सड़क गुजरती है. हर घर के सामने से एक सड़क गुजरती है. और नुक्कड़ पे अगर वो मुड़ जाती है. दुनिया में कोई सड़क सीधी नहीं, सब मुड़ती हैं. और कहाँ जाती है बोलो? तुम बोलो. दी देन के यार के घर पे. कौन यार? खोसला साहब. हाँ, अभी तो खुराना बोला. ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू. टेस्ट कर रहा था. अंकल जी आप जानते हैं, जब मैंने किसी से पूछा ना आपके पते के बारे में, तो सबने कहा कि गोवा में सिर्फ एक ही शरीफ और ईमानदार लौंडे का घर है, वो है आपका. अंकल लौंडा, ये भी झूठ. देखो सच सच बताओ, यहाँ क्यों आए हो? जी मुझे एक कमरा चाहिए रेंट पे. यस. वो कह रहे हैं मैं नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ. अंकल जी हाँ. वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ. बहुत गुस्सा कर रहे हैं. देखो अब बोल यहीं पे रुक जाओ. हाँ. चलिए आज आप गूंगे हैं तो मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ हो आते हैं, कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा. आंटी जी रिश्तेदार? तो ये कौन है? अरे कौन हो तुम? सनी. सनी सनी नहीं शनी. ए तू चुप रे चुप. अंकल जी आपको मेरी कसम, आंटी को मत बताना मैं कहाँ से आया हूँ. अरे अंकल जी को खुद नहीं पता, वो आंटी को क्या बताएंगे. आंटी जी मैं यहाँ का किराएदार हूँ, ये लो 10,000 रुपए. ये 9,999 रुपए भी लो, संभाल के रखना. और मैं जरा थका हुआ हूँ, मुझे कमरा बता दो. दूसरे मोहल्ले में चलो, मैं छोड़ के आता हूँ. हो गेंद पकड़ से ले गया ऊपर. अरे ये तो शॉप की छोटी लिमलट की गोली है. पता हाँ यही. लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? नमस्कार. हाँ जी. ओ चिट्ठी है आपके लिए. लगता है गौरव ने भेजा है. हम्म.
जवाब अभी हाथों हाथ चाहिए, इसके बगैर मैं पैन नहीं लाऊंगा। दो मिनट रुकिए, हाथों हाथ जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। वो अंदर क्यों गई? लंगूर को लस्सी वस्सी पिलाएगी क्या? हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या खूब है ना मदारियां डमरू, लेकिन लंगूर कैसे तुम हिला हिला के नाच रहा है। अब तू देख कैसे मैं उसे चने खिलाती हूँ। नाम क्या है? कौन है बे अकल का पुतला, काठ का उल्लू, जबान का कीड़ा है? नमस्ते साहब। जो गंदी गंदी गालियों का गाली पत्र लिखता है, वो भी शरीफ औरतों को? यही यही है वो बदमाश, और ये रही चिट्ठी। साले चींटी के चचेरे भाई, औकात भूल गया, ऊंट की गर्दन खो जाएगा तेरी। मैं उनमें से नहीं हूँ। तो बनवा दू काली बाबा। सुपरस्टिशियस मतलब वहमीले लोगों का मानना था कि ये बाबा जिसको भी गंदा गंदा गाली देता था ना, वो लोगों का प्रॉब्लम दूर हो जाता था। After all, this is our India. तेरे बाबा के गाली के चक्कर में रो रही है। क्या हुआ आपा? फायदा है, क्यों रो रही हो? अरे देखो ना साजिद भाई, बाबा ने एक भी गाली नहीं दी। गाली नहीं मिली इसलिए रो रही है। अगर दो चार गाली दे देते तो बाबा का क्या चला जाता? अरे ये नास पीटा कम से कम दसवीं में पास तो हो जाता। अरे ये कमीने ने साल भर पढ़ाई नहीं की, अगर थोड़ा पढ़ा होता तो कम से कम पास तो हो जाता। अब तो बाबा ने भी गाली नहीं दी, अब तो फेल होने से कोई नहीं बचाएगा। चल सुना सुना, लड़के ने पढ़ाई नहीं की इसलिए गाली बाबा को मालूम पड़ गया और गाली नहीं दी, क्योंकि जानता है गाली देने के बाद घंटा पास होने वाला है। तेरे बाबा पब्लिक को देख के पूरी बनता है दोस्त। एक दिन बाबा को बचपन में बाबा के बाप ने बीड़ी पीते हुए देख लिया, घर ले गया, दे तुड़ाई। बाबा को भी आ गया गुस्सा, एकदम मुंह फूट अपने बाप बाप को ही माँ बहन गाली दे डाली। अपने बाप को गाली? और क्या झटका नंद। दूसरे दिन बाबा के बाप की 1,000 रुपए की लॉटरी लग गई। अब बोल, इस शहर में हर रोज किसी न किसी को लॉटरी लगती है, क्योंकि लॉटरी खेलने वाला हर रोज घर वाले की गाली खाता रहता है। तो क्या मेरे भाई घर वाले भी बाबा की तरह चमत्कारी हो गए? अरे इसे समझ, गाली बाबा की जय। ए भाई तुम्हें बाबा के चमत्कार भरोसा नहीं है? चलो वापस चलो, मेरे पास कोई टाइम नहीं, मुझे और भी काम है। वैसे मेरी बीबी सुबह सुबह घर छोड़ के चली गई है, उसको वापस मना के लाना है। चलिए देख क्या रहे ला, चल। कदरदान शुक्रान दोस्तों, अब मैं आपको एक और जादू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है जादू। क्षमा चाहता हूँ जादूगर साहब, ये कपड़े से फूल, पगड़ी से कबूतर, डिब्बे से खरगोश निकालना बहुत आसान है। मुझ पे जादू करके दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा। भाई चैलेंज की बात कर रहा है। ठीक है लड़के, कौन सी बड़ी बात है, यहाँ आ बेंच पर लेट जा। लेट जाता हूँ, इसमें कौन सा बड़ा जादू है? जादू है नहीं, अभी होगा। मेहरबान, मैं अपनी छड़ी के जादू से इस लड़के को वहां पहुंचा दूंगा हवा में। अगर कोई आदमी छड़ी के सहारे हवा में लटक जाता तो कोई भी हवाई जहाज का टिकट नहीं खरीदता, सब आदमी छड़ी का इंतजार कर रहे होते। इतना ज्योतिष तो हमने भी पढ़ा है। तेरे सामने नादान जादूगर खड़ा है, चल आ जा, लेट जा यहाँ। तो आपका ये सेवक मेज पर पड़ा है, दिखाइए जादू। बहुत बड़बड़ा है। हाँ लो, लेट गया। ओम भीम श्रीम चामुंडाए, अपनी छड़ी का जादू दिखलाए, लड़के को हवा में लटकाए। जादूगर से पंगा ना ले, भटक जाएगा जमीन का आदमी, हवा में लटक